सुप्रभात बच्चों, आज कक्षा 4 के हिंदी विषय में अध्याय 5 है कविता। कविता का शीर्षक है प्रकृति का संदेश। प्यारे बच्चों, हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो प्रकृति में ही हैं, और हमारी वो आसपास की चीज़ें जो हमारी प्रकृति है वो हमें बहुत ही अच्छे अच्छे संदेश देती हैं, बहुत ही अच्छी शिक्षा देती हैं। उन शिक्षा को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, उन शिक्षा को हमें समझना चाहिए। ठीक है, आइए इस कविता के माध्यम से हम सीखते हैं कि हमें प्रकृति से क्या संदेश मिलता है और हमें उन संदेशों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो सीज झुकाना। प्रकृति में देखिए, फूल हमेशा ही खिले खिले रहते हैं। खिले होने का मतलब हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और भौरे गुंजन करते हैं, ऐसे गुनगुनाते रहते हैं। तो पुष्पों से हमें, फूलों से हमें मुस्कुराना सीखना चाहिए, हमेशा खुश रहना सीखना चाहिए, और भौरों से हमें गुनगुनाना गाना सीखना चाहिए कि जीवन में हमेशा अपने मस्त में गाते रहो। ठीक है, कोई चिंता ना करो, क्योंकि चिंता ही चिंता है, ऐसी कहावत कही गई है। चिंता जिसको रहती है वो मनुष्य हमेशा पतन की तरफ जाते रहते हैं, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, हमेशा खुश रहते हुए गुनगुनाते रहना चाहिए। फल से लदी डालियों से नित सीखो सी झुकाना, और देखिए फल से लदी जो पेड़ की डालियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, झुक जाती हैं। अर्थात जितना हमारे अंदर ज्ञान रहता है, जितना भी हमारे अंदर जो ज्ञान है, उन ज्ञान को हमें सबके सामने प्रस्तुत करना चाहिए, और कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा विनम्रता से सबके सामने, सबके समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। कह रहा है इस कविता में संदेश प्रकट का ये है कि हवा के झोंकों से, हवा के झोंक जब आते हैं, देखिए शीतल हवा के झोंक आते हैं, हमारे जितने भी गर्मी लगती है, लेकिन जब हवा के झोंके आते हैं तो हमारे अंदर की सारी गर्मियाँ दूर हो जाती हैं। उसी तरह हमें अपने जीवन के अंदर जो हमारे अंदर जो भी बुराइयाँ हैं उनको निकाल देना चाहिए और अपने अंदर शीतलता लानी चाहिए। साथ ही साथ दूध और पानी का ऐसा संबंध है कि हम दूध और पानी को अलग नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं? वो सिर्फ अंश ही है जो दूध और पानी को अलग कर सकता है, लेकिन हर जगह अंश तो नहीं है। दूध और पानी का ऐसा मिश्रण होता है कि उसको अलग नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे हम अभी एक पॉलीथीन में हम ये डस्टर और मार्कर देखिए रख दे रहे हैं, इसको हम अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी पॉलीथीन में या किसी गिलास में अगर हम दूध और पानी मिक्स करके रख दें तो आप उसको अलग आसानी से नहीं कर सकते। इसलिए ये प्रकृति हमको संदेश दे रही है, ये दूध और पानी हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें हमेशा मिलकर रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, कोई हमको हमारे बीच फूट ना डाल सके, कोई अलगाव ना कर सके। ये मिलने और मिलाने की शिक्षा हमें दूध और पानी से लेनी चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। प्रकृति में सूरज भी हमको एक शिक्षा देता है कि हमेशा जगो। जगने का क्या मतलब है कि हमेशा उदय हो, आगे की तरफ बढ़ो और लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करो। जैसे सूरज क्या करता है, वो उदय होता है, वो भी जगता है, तो उसके जगने के साथ साथ वो क्या करता है कि समस्त प्राणी, समस्त संसार के सभी जानवर, सभी इंसान को क्या करता है, उठाता है। सूरज जब निकलता है तभी तो लोग उठते हैं, है कि नहीं? तो हमें सूरज से हमेशा आगे बढ़ने की ओर की शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को भी साथ ही साथ आगे बढ़ाना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। पेड़ पे देखिए, लता जो होती हैं वो पेड़ पे लपेटी हुई रहती हैं, लपेटे रहती हैं पेड़ को। ठीक है, जैसे ये पेड़ हो गया, ये हमारा एक पेड़ है, तो जो लता होती है वो ऐसे ही सांप के जैसे लपेटे रहती है। इनसे, पेड़ और लता से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें लोगों से
लिपट के रहना चाहिए, अर्थात लोगों से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है, सबको अपने साथ लेके चलना चाहिए। दीपक से सीखो बच्चों तुम अंधकार को हराना, और दीपक से रोशनी से आप ये सीखिए दीपक से कि दीपक क्या करता है, हर जगह के अंधकार को दूर करता है। इसलिए दीपक से आप लोग अपने अंदर के अंधकार जो है, आपके अंदर जो कमियां हैं, अंधकार का मतलब कमियां, आपके अंदर जो कमियां हैं उनको दीपक जैसे अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपने अंदर की कमियों को दूर कर दीजिए दीपक की तरह। पृथ्वी से सीखो सबकी ही सच्ची सेवा करना, जैसे हमारी धरती माँ बड़े ही प्यार से हम लोगों को पालती हैं, वो अपने अंदर जो है अपने अंदर से धन संपदा पैदा करती हैं, अपने अंदर पे फसलों को लहलहाती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, धरती माँ क्या, धरती को माता क्यों कहा जाता है, माता से हमको भोजन मिलता है, हमारी आपकी जो माताएं हैं वो हमको क्या करती हैं, दूध पिलाती हैं, हमको भोजन देती हैं, हमको पालती हैं, हमको पैदा करती हैं, वैसे ही हमारी धरती माँ भी हमको शिक्षा देती है कि धरती माँ क्या करती है, वो हमको फसल देती है, हमको खाने के लिए अनाज देती है, ठीक है, हमको ऊर्जा के लिए ईंधन देती है, ठीक है। इसलिए धरती माँ से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें लोगों को पालना चाहिए, हमें लोगों से प्यार से बात करनी चाहिए, लोगों की हमेशा सच्ची सेवा करनी चाहिए, जैसे धरती माँ हम आपकी सेवा करती हैं, हमें यहाँ जीवित रखती हैं, ठीक है, ऐसे ही हमें अपनी प्रकृति की चीज़ों से ही शिक्षा लेनी चाहिए। तो बच्चों इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रकृति ही सबसे सच्चा मार्गदर्शक है, प्रकृति हमें हमेशा अच्छे रास्ते दिखाती है, हमेशा प्रकृति से हमको शिक्षा लेनी चाहिए और सही रास्ते पे चलना चाहिए। अगर जैसे प्रकृति में असंतुलन पैदा होता है तो भुखमरी आ जाती है, ठीक है, अकाल आ जाता है, वैसे ही अगर हम प्रकृति के हिसाब से ही संतुलन बना के चलते हैं अपने जीवन में तो हमेशा हम अग्रसर रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे, कभी हमें कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आप प्रकृति से शिक्षा लीजिए, जो हमें प्रकृति संदेश देती है वो हमको अपने जीवन में धारण करना चाहिए और हमेशा ही आगे बढ़ना चाहिए, उनका आचरण करना चाहिए। धन्यवाद।